सो अभी हम घूम रहे हैं माल रोड में और मैंने बोला था कि हम खाना पीना आए हैं, ठीक है। सो आशीष को मैं अभी कंटिन्यूसली नोटिस कर रहा हूँ, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे फुल नशे में होता है, ठीक है। 200 रुपए की थाली, ज्यादा ओवरलोड खाना पीना हो गया यार। अब हम जा रहे हैं, अभी हम निकल रहे हैं मनाली के लिए, लेकिन अभी नहीं, पहले हम बाइक वगैरह धुलाएंगे और उसके बाद हम करेंगे टूर प्लान, ठीक है। तो अभी निकल चुके हैं नोएडा से और ये है नोएडा का मोड़, और यहाँ से लेंगे हम दिल्ली के लिए एंट्री। ट्रैफिक है काफी, बहुत ज्यादा है कि थोड़ा है, और वंदे मातरम। अबाउट हम ना मतलब घर पे लग गया हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम, तो अब निकलेंगे, बस खैचम खैच चल रहे हैं, रोड कवर करते हैं, ठीक है। सो जल्दी हम मिलेंगे, मतलब लाइक जाएंगे अच्छी स्पीड से करेंगे, 70-80 की क्रूजिंग करेंगे, और जैसे ही हम अंबाला क्रॉस करते हैं उसके बाद मिलते हैं। चुके हैं अंबाला, अंबाला क्रॉस हो चुका है, ठीक है, और अभी थोड़ी देर के लिए चाय पानी के लिए रुके हैं, चाय नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे और फिर खैचम खैच चलेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ से नहीं जा रहे हैं हम, बेसिकली चंडीगढ़ से ही जा रहे हैं, लेकिन मेन चंडीगढ़ से होते हुए अंदर से, चंडीगढ़ के अंदर से नहीं जाएंगे, बाहर से निकलेंगे हम। तो स्टे ट्यून, और बाकी जैसा भी है, लेकिन यार मजा पूरा आ रहा है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है पिछवाड़े में, लेकिन चला हुआ है मामला। अभी जब गाड़ी घूमेगी तो घूम रहे हैं माल रोड में, 11 बजे हम यहाँ मनाली पहुंचे थे और उसके बाद बस सोए हैं, और कुछ खास ऐसा हमने किया नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई बहुत थक गए थे यार, लिटरली बता रहा हूँ, हमें यहाँ पहुंचने में हार्डली 12 घंटे लगे हैं, 11 घंटे तो गूगल दिखाता है, ऑल ओवर बाकी चीजें यहाँ पूरी मजेदार है। अभी हम ना कुछ ऐसा खाने पीने के लिए सोच रहे हैं, ये पीछे आशीष, बाकी ये लोग घूम रहे होंगे यहीं कहीं, ओके। आंखें सफेद तो हो गई थोड़ी थोड़ी सी यार, लाल हो गई थी पूरी ड्राइव करते करते करते, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, माहौल देता है मनाली, आना चाहिए एक बार, सबको आना चाहिए एक बार, तो आना चाहिए। अच्छा यहाँ ठंड है, अक्टूबर में मैं इतना नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ के लोगों को देख के लगता है कि पता नहीं कितनी ठंड है इधर, लेकिन राइट नाउ मुझे तो नहीं लग रही है, पड़ी है ना, कैसे लगेगी। जैसा मैंने बोला था कि हम खाना पीना आए हैं, ठीक है। सो आशीष को मैं अभी कंटिन्यूसली नोटिस कर रहा हूँ, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे फुल नशे में होता है, ठीक है, पता नहीं क्या, शायद ट्रैवल की थकान वगैरह होती है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं एक बार आशीष से। आशीष, सो आशीष कैसा एक्सपीरियंस है? आई आंखें एकदम ऐसी लाल, एक जगह तो बंदे ने पूछ लिया भाई क्या हो गया, मैंने कहा नहीं भाई वो ड्राइव करके आया ना, तो थोड़ा
फिर उसके बाद भाई फ्रेश हुए, गाड़ी खड़ी करी, होटल देखा और सो गए। सुबह 11 के सोए, अभी उठे 9:30। तो अभी हम खाना पीना खाने आए हैं, है ना? ये बहुत तेज। क्या ऑर्डर क्या किया हमने? अपन ने भाई एक करिए वेज थाली और एक करिए भाई नॉन वेज थाली। वेज थाली उनके लिए जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वेज थाली उनके लिए देख रहे हो। खाना पीना डन है, ज़्यादा ओवरलोड खाना पीना हो गया यार। अब हम जा रहे हैं होटल और जाके सोएंगे, क्योंकि थके पड़े हैं बुरे तरीके से। और बाकी जैसा रहेगा, सुबह हम निकलेंगे तो सोलांग वगैरह, सोलांग वैली देखने के लिए, ठीक है? और उसके बाद सीधा दिल्ली निकलेंगे यार, क्योंकि मंडे को ऑफिस ज्वाइन करना है, तो पॉसिबल नहीं है कि हाँ मतलब एक्सप्लोर कर सके अच्छा मनाली को। सो राइट नाउ ये हमारा होटल आ चुका है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। होटल का व्यू दिखाता हूँ, शुरू हो। ये अपनी बाइक दिल्ली टू मनाली, और ये होटल सही होटल है यार, 1500 रुपये में क्या होना है। चले एंट्री लेते हैं, होटल का व्यू देखते हैं। ये रिसेप्शन, और यहाँ से है अपना